हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे हो गए और बहुत अच्छे से आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। स्वागत है दोस्तों आप सभी का कंप्यूटर बाय वीरेंद्र यूट्यूब चैनल पे, और मेरा नाम है वीरेंद्र सिंह, आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर, जिसका नाम है SSC CGL 2022 के अंदर जो कंप्यूटर सब्जेक्ट है उसकी इंपॉर्टेंस जो है वो अब की बार बढ़ा दी गई है। आज तक के पिछले 15 से 20 साल तक का अगर हम हिस्ट्री उठा कर देखें SSC CGL या फिर SSC के किसी भी एग्ज़ाम की, तो वहाँ पे हमें देखने को मिलता था कि जो आपका GS का पार्ट होता था उसमें कभी कभार एक आधा क्वेश्चन कंप्यूटर का डाल दिया जाता था, अदरवाइज कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चंस जो हैं उस पर ध्यान नहीं दिया जाता था। बट डिजिटल इंडिया का टाइम है, समय के साथ कंप्यूटर की इंपॉर्टेंस जो है वो काफ़ी इंक्रीज हो रही है। दैट्स वाई अब की बार डिपार्टमेंट ने डिसीजन लिया है कि वो कंप्यूटर का एक अलग सेक्शन बना के जो है वो डालेंगे। तो आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेगा कि SSC CGL के अंदर जो हमारा सिलेबस दिया गया है वो क्या सिलेबस हमारा दिया गया है। साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे कि उस सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए हमें किस स्ट्रेटेजी को फॉलो करना है, कितने टाइम में हम उस सिलेबस को पूरा कर सकते हैं, कौन सी बुक हम उस कंप्यूटर के सिलेबस के लिए पढ़ना चाहिए, क्या क्राइटेरिया है उस कंप्यूटर के मार्क्स का, कितने क्वेश्चन हमें मिलने वाले हैं एग्जाम के अंदर, क्या प्री में कंप्यूटर आएगा या मेंस में कंप्यूटर आएगा, इन सभी बातों के बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ डिस्कस करेंगे कि क्या ये कंप्यूटर सब्जेक्ट जो है, जो टॉपिक है हमारा दिया गया है, क्या ये सिर्फ क्वालिफाइंग इन नेचर का है या फिर उससे ज़्यादा हमें मार्क्स लेने की ज़रूरत है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को, और सबसे पहले हम जो डिस्कस करेंगे वो करेंगे कि हमारे पास कौन से ऐसे पॉइंट्स हैं जो हमें देखना है कि किन पॉइंट्स के ऊपर हमें ध्यान देना है। देखो काफ़ी यूट्यूब चैनल्स के ऊपर आप लोगों को कंप्यूटर के बारे में बहुत सारी बातें SSC के बारे में बताई गई हैं। कोई आपको ये कह रहा है कि जो GS और GK का जो टीचर है वही आपको कंप्यूटर पढ़ाएगा, ठीक है, कोई अलग से कंप्यूटर का टीचर आप लोगों को नहीं प्रोवाइड करवाया जा रहा है, या फिर हो सकता है मतलब काफ़ी अजीबोगरीब सी बातें मुझे देखने को मिली हैं यूट्यूब के ऊपर। बेसिकली इस वीडियो में आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करें कि क्वालिफाई इन नेचर है, ऐसा आपके नोटिफिकेशन में लिखा गया है कि कंप्यूटर सब्जेक्ट जो है वो क्वालिफाई करना है। टोटल हमारे पास 20 क्वेश्चन आएंगे, 20 × 3 मार्क का एक क्वेश्चन होगा, इसका मतलब है 60 मार्क्स का आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट जो है वो आने वाला है मेन्स के एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो वहाँ पे जो ये 60 नंबर हैं इनके अंदर से क्वालिफाई आप लोगों को करना है, तो मान के चलिए एटलीस्ट 50% जनरल कैटेगरी में आप लोगों को क्वालिफाई करना ही करना है, यानी कि 60 में से 30 नंबर आपको लेने ही लेने हैं, यानी कि 20 में से 10 क्वेश्चन आपको सही करने ही करने हैं। लेकिन बात ध्यान में ये रखिएगा कि साथ ही साथ जो है वो आपके एग्जाम के अंदर क्या है, नेगेटिव मार्किंग भी है, ठीक है। अब नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है ना कि जो मॉड्यूल 1 ऑफ सेक्शन 3 है पेपर का, जो कि आपका कंप्यूटर नॉलेज से रिलेटेड जो सेक्शन है, वो मैंडेटरी है और क्वालिफाइंग इन नेचर भी है। लेकिन जब हम शॉर्टलिस्ट करेंगे कैंडिडेट्स को उन पोस्ट के लिए जहां पे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी की बहुत ज़्यादा डिमांड है, यानी कि ऐसी पोस्ट CGL को क्लियर करने के बाद ऐसी नौकरी जहां पे कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी की ज़्यादा ज़रूरत है, वो पोस्ट आपकी हो सकती हैं असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर इन CSS, MEA, AFHQ, इंस्पेक्टर सेंट्रल एक्साइज, इंस्पेक्टर प्रिवेंटिव ऑफिसर, इंस्पेक्टर एग्जामिनर, यानी कि ये जितनी भी आपकी पोस्ट हैं जब इनकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी तो हायर क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड विल बी सेट इन कंपैरिजन टू अदर पोस्ट। यानी कि इसके अलावा भी बहुत सारी और पोस्ट हैं जो आप नोटिफिकेशन के अंदर पढ़ सकते हैं। नोटिफिकेशन में हमारा टेलीग्राम चैनल है, जिस चैनल का नाम है हमारा कंप्यूटर बाय वीरेंद्र, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है कंप्यूटर बाय वीरेंद्र, वहां पे आपके इस कंप्यूटर से जुड़ा हुआ सारा का सारा मटेरियल आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा, आपको कोई भी पैसा पे करने की ज़रूरत नहीं है। आप चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, कंप्यूटर क्विज वहाँ पे अटेंड कर सकते हैं, कंप्यूटर के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर सकते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड फ्री मटेरियल आपको इस चैनल के ऊपर मिल जाएगा, तो आप जरूर से जरूर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, ठीक है। तो ये जितनी भी आपकी पोस्ट है ना, इन पोस्ट में और जो बाकी आपकी पोस्ट हैं जहाँ पे कंप्यूटर इंपॉर्टेंट नहीं है, हो सकता है वहाँ पे आपके कंप्यूटर की जो कट ऑफ है वो 30 पे जाए, बट हो सकता है इन पोस्ट के लिए कंप्यूटर की कट ऑफ आपकी
क्वालिफाइंग स्टैंडर्ड्स जो हैं वो आपके थोड़े से हाई रखे जाएं, हो सकता है 35 पर चली जाए, 40 पर चली जाए। यानी कि यहाँ से एक पॉइंट आपके दिमाग से ये निकाल दीजिए आप कि आप सिर्फ और सिर्फ आधे नंबर लेकर आप लोग कंप्यूटर के अंदर क्वालिफाई कर जाएंगे। अगर आपको अच्छी पोस्ट चाहिए है, ऐसी पोस्ट आपको चाहिए है, तो आपको इस 60 में से बहुत अच्छा स्कोर आपको करना पड़ेगा। टेंशन नहीं लेने का, बहुत आसान तरीके से मैं बताने वाला हूं कि ये जो 60 नंबर का कंप्यूटर आएगा इसमें कैसे आप 55 तक मार्क्स ले सकते हैं बहुत ही आराम से और चुटकियों में, अभी आपको देखने को मिलेगा। तो आई थिंक ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ है। नाउ अब हम डिस्कस करते हैं हमारा जो आज का इम्पोर्टेंट एजेंडा है, हमारा जो SSC CGL नोटिफिकेशन में जो हमारा मॉड्यूल 1 है उसका जो सेक्शन 3 है, पेपर 1 का कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी का पार्ट हमारा है, उसके सिलेबस के बारे में मैं आपको इम्पोर्टेंट बातें जो हैं वो अभी बताने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। सबसे पहला पार्ट हमारा दिया गया है कंप्यूटर बेसिक्स का। कंप्यूटर बेसिक्स के अंदर नाम पे मत जाइएगा कि बेसिक लिखा हुआ है तो बेसिक क्वेश्चन आएंगे। ध्यान रखिएगा एक क्वेश्चन का स्कोर जो है वो 3 मार्क्स का है, एक क्वेश्चन इज इक्वल टू 3 मार्क्स, और 3 मार्क्स में आपसे सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा। जहां तक मेरा मानना है आप लोगों से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, या फिर हो सकता है सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाने की, थोड़ा सा घुमा फिरा के क्वेश्चंस को पूछने की कोशिश वहां पे की जाएगी ताकि अच्छे तरीके से चेक किया जाए कैंडिडेट ने कंप्यूटर को ढंग से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। ठीक है, आई हैव 8 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस, 8 साल का मुझे टीचिंग एक्सपीरियंस है कंप्यूटर साइंस का। ठीक है, 10th क्लास से लेके और PGT कंप्यूटर साइंस जो एग्ज़ाम होता है वहाँ तक के स्टूडेंट्स को मैंने टीच किया है, वहाँ तक के सभी एग्ज़ाम्स को मैंने बारीकी से आज तक देखा है। जहाँ तक मैंने देखा है 1 नंबर का क्वेश्चन होता है आपका कंप्यूटर का, लेकिन अब की बार SSC ने 3 नंबर का एक क्वेश्चन रखा है, तो कुछ ना कुछ आपको बेहतर देखने को मिल सकता है। एक्सपीरियंस के बेसिस पर मैं ये बात आपको बोल रहा हूँ, हल्के में नहीं लेना है, कहने का मतलब ये, किसी भी सब्जेक्ट को हल्के में नहीं लेना है। सबसे पहला टॉपिक आता है ऑर्गेनाइजेशंस ऑफ ए कंप्यूटर। कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशंस क्या क्या होते हैं, कौन कौन से कंप्यूटर के पार्ट्स होते हैं, रजिस्टर्स के कितने टाइप्स होते हैं, रजिस्टर्स का क्या काम होता है, कैश मेमोरी का क्या काम होता है, फिर उसके बाद आपके फ्लिप फ्लॉप्स क्या होते हैं, ठीक है, गेट आपके क्या होते हैं, इन सभी टॉपिक्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। बेसिकली सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो आपका CPU होता है, जिसको हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं, प्रोसेसर कहते हैं, ये क्या होता है, इसके बारे में बहुत सारी बातें होती हैं, इसकी क्लॉक स्पीड क्या होती है, इसको किस में मापा जाता है, इसको बेहतर कैसे किया जा सकता है, सबसे पहला प्रोसेसर किस कंपनी ने बनाया था, हमारा प्रोसेसर काम कैसे करता है, किन 2 मेमोरीज के बीच में हमारा प्रोसेसर किस तरीके से काम करता है, ये बारीकी से आपको टॉपिक्स को पढ़ के चलना पड़ेगा। उसके बाद आता है आपके इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ये बहुत ही बेसिक टॉपिक है, आपको सिर्फ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के बारे में पता होना चाहिए कि ये इनपुट डिवाइस होता है या आउटपुट डिवाइस होता है, और उनके फंक्शन के बारे में बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए। अब जैसा कि मैंने बताया आपको कंप्यूटर मेमोरी के बारे में हमसे पूछा जाएगा, चाहे फिर आपकी वो रैंडम एक्सेस मेमोरी है दोस्तों, रीड ओनली मेमोरी है आप लोगों की, फिर इनके पार्ट्स आपको पढ़ने हैं, DRAM क्या होता है, SRAM क्या होता है, VRAM क्या होता है, फाइन ROM रोम क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी क्या होता है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी क्या होता है, ये किस तरीके से फंक्शन करती हैं, ये हमें पता होना चाहिए। कौन सी मेमोरी सबसे फास्ट है, कौन सी सबसे स्लो है, हार्ड डिस्क के फंक्शंस, SSD के फंक्शंस, बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपके कंप्यूटर मेमोरी से आते हैं, तो इस टॉपिक को मैं स्टार मार्क कर रहा हूं, यानी कि कंप्यूटर मेमोरी का टॉपिक आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। मेमोरी ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में आपको पढ़ना है, कौन कौन से बैकअप डिवाइसेस हमारे पास होते हैं, यानी कि हमने अगर एक डिवाइस के अंदर डेटा डाल दिया है या क्लाउड पे डेटा हमने डाल दिया है, तो ऐसे कौन कौन से डिवाइस हैं जहां पे हम अपने डेटा को बैकअप करके रख सकते हैं, उसकी कॉपी बना के रख सकते हैं, कौन कौन से हमारे पास पोर्ट्स होते हैं, हमारा जो CPU जिस यूनिट के अंदर होता है, कैबिनेट के अंदर होता है, उसके पीछे बहुत सारे पोर्ट्स लगे होते थे, उन सभी पोर्ट्स के बारे में पता होना चाहिए। हमारे कंप्यूटर के अंदर मदरबोर्ड होता है, उस मदरबोर्ड के सभी पोर्ट्स के बारे में हमें पता होना चाहिए। विंडोज एक्सप्लोरर से जुड़े हुए काफ़ी क्वेश्चंस आपके आते हैं, और आपके कीबोर्ड के जो शॉर्टकट्स होते हैं, कीबोर्ड के ऊपर आप लोगों को अल्फ़ाबेट देखने को मिलते हैं, कीबोर्ड के ऊपर आप लोगों को नंबर्स देखने को मिलते हैं, टॉगल कीज देखने को मिलती हैं, स्पेशल कीज देखने को मिलती हैं, फंक्शन कीज देखने को मिलती हैं, इन सभी कीज़ का पता होना चाहिए। साथ ही साथ जितने भी कीबोर्ड के आपके शॉर्टकट होते हैं, चाहे फिर आपके वो विंडोज़ एक्सप्लोरर से जुड़े हुए हैं, किसी आपके सर्च इंजन से जुड़े हुए हैं,
किसी आपके ब्राउजर से जुड़े हुए हैं, चाहे फिर आपके वो एमएस ऑफिस से जुड़े हुए शॉर्टकट्स हैं, इन सभी जनरल शॉर्टकट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो कहा जा सकता है कि अपने आप में ही कंप्यूटर बेसिक्स जो है वो सिर्फ नाम का ही बेसिक्स है, लेकिन ये काफी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हमारा हो जाता है और बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर आते हैं जो कि बहुत ही आसान होते हैं। घबराना नहीं है, हो सकता है इस वीडियो में आप लोगों को बहुत सारी चीजें नई सुनने को मिलें। काफी स्टूडेंट्स हैं जो सरकारी स्कूल से पास आउट होंगे या गांव के साइड के होंगे, रूरल एरिया के होंगे, जिन्होंने कभी कंप्यूटर को नहीं पढ़ा होगा। भरोसा रखिए दोस्तों, आप लोगों को बहुत ही आसान तरीका बताने वाला हूं इस वीडियो में कि आप इस चीज को कैसे कवर अप कर सकते हैं। ठीक है, बस बने रहिए इस वीडियो में लास्ट तक। दूसरा कॉन्सेप्ट होता है हमारा दोस्तों सॉफ्टवेयर। हमारे पास कंप्यूटर में दो चीजें होती हैं दोस्तों, हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं। बचपन से पढ़ते आए हैं, हार्डवेयर वो होते हैं जिनको हम छू के महसूस कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं जो हम जिनको छू के महसूस नहीं कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर दोनों ही मिलके हमारे कंप्यूटर को चलाते हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना होता है, एक प्रोग्राम बनाना होता है। जब बहुत सारे प्रोग्राम बनते हैं तो हमारा एक सॉफ्टवेयर तैयार हो जाता है। व्हाट्सएप आपका सॉफ्टवेयर है, फेसबुक आपका सॉफ्टवेयर है, गूगल आपका सॉफ्टवेयर है, फाइन। मोबाइल आपका हार्डवेयर है, आपका लैपटॉप हार्डवेयर है, आपका टीवी हार्डवेयर है। तो ये सारी चीजें इसमें डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं आप। सॉफ्टवेयर के अंदर आपका आता है दोस्तों ऑपरेटिंग सिस्टम। बेसिकली दोस्तों हमें स्टार्ट करना होता है कहाँ से, आपके हम सॉफ्टवेयर को दो कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं, फाइन। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, जनरल पर्पज सॉफ्टवेयर, उसके अंदर हम ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ते हैं, उसके अंदर फिर हम एमएस ऑफिस को पढ़ते हैं। तो आपके सॉफ्टवेयर वाले पार्ट में ही एसएससी ने क्या दिया हुआ है, एमएस वर्ड, एमएस एक्सेल और एमएस पावर पॉइंट भी इसी के अंदर दिया हुआ है, क्योंकि सॉफ्टवेयर ही है ये और जनरल सॉफ्टवेयर है, इसलिए वर्ड एक्सेल और पावर पॉइंट से जुड़े हुए क्वेश्चन बहुत, मतलब हर क्वेश्चन में, हर पेपर में आपको इनसे जुड़ा हुआ क्वेश्चन जो है वो देखने को मिल जाएगा। तो बहुत बारीकी से ऑपरेटिंग सिस्टम और आपके एमएस ऑफिस को आपको पढ़ना होता है। इसके बाद बात करें जनरल टर्म्स में, तो हमारा जो इंटरनेट होता है, बहुत सारे नेटवर्क्स जब आपस में मिलते हैं तो उसको इंटरनेट बोला जाता है। सबसे बड़ा नेटवर्क जो है वो इंटरनेट होता है, 3G 4G 5G आप लोग सुनते आ रहे हैं, और आपके जो इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि ईमेल्स होते हैं। तो वेब ब्राउजिंग, जो इंटरनेट ब्राउजिंग आप लोग करते हैं, गूगल क्रोम आप चलाते हैं, मोजिला फायरफॉक्स आप लोग चलाते हैं, माइक्रोसॉफ्ट एज आप लोग चलाते हैं, आईफोन में आप लोग सफारी वेब ब्राउजर का यूज करते हैं, ठीक है, इनके बारे में आप सभी को पता होना चाहिए। टैब्स के शॉर्टकट्स क्या होते हैं, हिस्ट्री को डिलीट कैसे करते हैं, कैश फाइल्स कौन सी होती हैं, कुकीज़ क्या होती हैं, इन सभी के बारे में पता होना चाहिए। सर्चिंग के लिए क्या क्या चीज़ें हम यूज़ करते हैं, कौन कौन से शॉर्टकट्स यूज़ करते हैं, सर्च बॉक्स को डायरेक्ट ओपन करने के लिए कौन सा शॉर्टकट यूज़ किया जाता है, डाउनलोडिंग क्या होती है, अपलोडिंग क्या होती है। जब भी आप मूवी देखने के लिए किसी भी वेबसाइट से मूवी को हम डाउनलोड करते हैं, यानी कि उस वेबसाइट से अपने सिस्टम के अंदर उसको रखते हैं। अपलोड करने का मतलब है, अब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इसके तुरंत बाद मैं इस वीडियो को यूट्यूब के ऊपर डालूंगा, यानी कि यूट्यूब के ऊपर अपलोड करूंगा, फाइन। तो ये अपलोडिंग डाउनलोडिंग के बारे में पता होना चाहिए। ईमेल अकाउंट अगर आपका है, आपके पास आपकी ईमेल आईडी होगी xyz@gmail.com, अगर आपकी कोई ईमेल आईडी है तो आप उस ईमेल को कैसे मैनेज करते हैं, एक ईमेल लिखते समय किन किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, टू सीसी बीसीसी सब्जेक्ट में, सिग्नेचर में, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। और ई बैंकिंग जो आप गूगल पे यूज़ करते हैं, फ़ोन पे यूज़ करते हैं, ई बैंकिंग जो होता है उसके रिलेटेड चीज़ें भी आप लोगों को जनरल पता होनी चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आपका बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग आ जाता है यहाँ पे। आपका इंटरनेट जो है वो यहाँ पे भी दे दिया गया है, वर्किंग विद इंटरनेट एंड ईमेल, और यहाँ पे नेटवर्किंग भी दे दिया गया है, और आपका साइबर सिक्योरिटी दे दिया गया है। आजकल आप लोग देखते हैं किसी ने आपका एटीएम का पिन ले लिया, नंबर ले लिया, ऑनलाइन फ्रॉड कर दिया, इतने पैसे चुरा लिए, आपके अकाउंट से पैसे निकाल लिए, वो सभी आपका साइबर सिक्योरिटी के अंदर आ जाता है। किसी ने किसी की वीडियो रिकॉर्ड करके इंटरनेट के ऊपर अपलोड कर दी, उसको ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया, पैसे मांगना स्टार्ट कर दिया, गवर्नमेंट के सिस्टम्स को हैक कर लिया, पैसे ट्रांसफर कर दिए, ये सारी चीज़ें आपकी नेटवर्किंग और साइबर सिक्योरिटी के अंदर आ जाती हैं। जहाँ पे आपके नेटवर्किंग डिवाइसेस, अगर आपके घर में वाईफाई लगा हुआ है तो आपने राउटर नाम ज़रूर सुना होगा, स्विच सुना होगा, हब सुना होगा, ये सारे आपके नेटवर्किंग डिवाइसेस होते हैं जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए। आपके इंटरनेट प्रोटोकॉल्स जो होते हैं, चाहे आपका वो इंटरनेट प्रोटोकॉल है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर है, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल है, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल है, इन सभी प्रोटोकॉल्स के बारे में पता होना चाहिए कि इनका काम क्या होता है नेटवर्किंग के ऊपर।
उसके बाद नेटवर्क एंड इन्फॉर्मेशन सिक्योरिटी थ्रेट्स जो दिए जाते हैं, धमकियां जो दी जाती हैं, चाहे वो हैकिंग करके दी जाए, आपके अलग अलग तरीके का ट्रोजन हॉर्स क्या होता है, वोम क्या होता है, वायरसेस कितने टाइप्स के होते हैं, मैलिशियस सॉफ्टवेयर कौन कौन से होते हैं, और आपके प्रिवेंटिव मेजर्स जो हैं, इनसे बचने की क्या तकनीकें हम लोग अपना सकते हैं ऐसे खतरनाक तरीकों से बचने की। फाइन, तो ये आपका मोटा मोटा जो है दोस्तों सिलेबस है। और आप मान के चलिए, अगर आप मुझसे मान के चले आप बोले कि सर कौन सा टॉपिक जो है वो कितने मार्क्स का आ सकता है, तो 20 क्वेश्चंस अगर हमारे आ सकते हैं तो चारों ही पार्ट इतने इंपॉर्टेंट हैं कि आपके पांच पांच क्वेश्चंस आप इन सभी से मान के चलिए, फाइन। और ये 20 में से 20 क्वेश्चंस को ठीक करना इतना आसान है जितना कि आप नॉर्मली उठ के पानी पीते हैं, इतना आसान होता है। आपके इस 20 में से 20 नंबर लेना आपके लिए इतना आसान होगा। कैसे होगा वो अब हम डिस्कस करेंगे कि हमारी स्ट्रेटजी क्या रहनी चाहिए और हमें कौन कौन सी बुक्स को रेफर हम कर सकते हैं, फाइन। तो देखिए, बुक की जरूरत आपको पढ़ने वाली नहीं है वैसे भी, अगर फिर भी अगर आप कहेंगे कि सर बुक बता दीजिए, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, वहां से आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है 90 5353 5631, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, इसके ऊपर आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको हमारे कंप्यूटर के ग्रुप में ऐड कर दूंगा, वहां पे आपको इस सिलेबस से जुड़ा हुआ पूरा का पूरा मटेरियल मिल जाएगा। आपके क्वेश्चंस में कोई डाउट है, आपके किसी टॉपिक में डाउट है, आप वो मुझसे व्हाट्सएप के ऊपर डाउट पूछ सकते हैं। प्लीज़ कोई भी फ़ोन ना कीजिएगा, हमेशा व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिएगा। और अगर आपको फ्री ऑफ कॉस्ट सारा मटेरियल चाहिए है, अगर आप चाहते हैं, बोलते हैं सर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं गरीब हूँ, मेरे पास बुक मैं खरीदने के पैसे नहीं है, तो हमारा टेलीग्राम चैनल मैंने आप लोगों को बताया था, कंप्यूटर बाय वीरेंद्र को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आप लोगों को कंप्लीट मटेरियल आई विल प्रोवाइडेड बाय फ्री ऑफ कॉस्ट, आई विल नॉट चार्ज अ सिंगल पेनी फ्रॉम एनी, कोई पैसा नहीं देना, ठीक है। चलो, स्ट्रेटजी हमारी क्या होनी चाहिए, देखिए कंप्यूटर एक सब्जेक्ट है ना दोस्तों, वो रट्टा मारने का सब्जेक्ट नहीं है। आप जीके में रट्टा मार सकते हैं, आप इंग्लिश में रट्टा मार सकते हैं, आप बाकी सब्जेक्ट्स में रट्टा मार सकते हैं, लेकिन आप कंप्यूटर में रट्टा नहीं मार सकते। अगर मैं आपको बोल दूं कि भाई TCP क्या होता है और UDP क्या होता है, थोड़ा सा मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, अपना पढ़ाने का थोड़ा सा तरीका मैं बता रहा हूँ कि मैं किस तरीके से पढ़ाना चाहता हूँ, और आप लोगों का सपोर्ट इसमें चाहिए है मुझे, फाइन। जो भी इस वीडियो को देख रहा है ना दोस्तों, अपने सारे उन भाइयों तक इस वीडियो को शेयर करना जिनको डाउट है कंप्यूटर सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ें, कैसे पढ़ें, या जिनको सोर्स नहीं मिल रहा है, यूट्यूब के ऊपर कोई टीचर नहीं मिल रहा है, कोई चैनल नहीं मिल रहा है, ऑनलाइन कोर्स अच्छा नहीं मिल रहा है, कोई पैसे ज़्यादा मांगे जा रहे हैं, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म बेस्ट है। यहाँ पे आपसे कोई चार्ज नहीं लिया जा रहा है, ठीक है, आपको क्वालिटी एजुकेशन वो भी बिना किसी कॉस्ट के आपको मैं प्रोवाइड कराने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सभी के साथ शेयर जरूर करना इस वीडियो को, लाइक जरूर देना, ठीक है, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, पैसे ना लग रहे हो तो, अगर कोई सब्सक्राइब करने के पैसे मांग रहा है तो रहने देना भाई, चलो कोई बात नहीं, सब्सक्राइब करना भाई, ठीक है। तो देखिए TCP और UDP ये जो होते हैं ना दोस्तों, अभी हमने डिस्कस किया था हमारे सिलेबस में एक प्रोटोकॉल नाम का टॉपिक दिया हुआ, ये प्रोटोकॉल जो होते हैं ना दोस्तों, ये सेट ऑफ रूल्स होते हैं। रूल्स का मतलब आप सभी को पता है, रूल्स का मतलब क्या होता है, नियम होते हैं। जैसे हमारा घर है, हमारे घर में कुछ नियम बनाए गए हैं, भाई नहाने के बाद चप्पल पहन के अंदर कोई नहीं आएगा, खाना खाने के बाद अपने बर्तनों को साफ किया जाएगा, कपड़े गंदे इस तरीके से नहीं डालने, तो कुछ रूल्स बनाए गए हैं, उन्हीं रूल्स के आधार पे हमारे घर के अंदर सारे के सारे फंक्शंस जो हैं वो हम परफॉर्म करते हैं, सारे के सारे एक्शंस हम परफॉर्म करते हैं। इसी तरीके से आपका एक इंटरनेट नाम की चीज़ आपकी बनाई गई है, सबसे बड़ा नेटवर्क जो है उसको हम इंटरनेट बोलते हैं, उसके ऊपर कुछ नियम बनाए गए हैं, उन्हीं नियमों का एक समूह होता है और उस समूह को हम एक प्रोटोकॉल कहते हैं, फाइन। जैसे पुलिस का प्रोटोकॉल होता है वैसे ही ये प्रोटोकॉल होते हैं। इसमें हमारे पास एक होता है TCP, जिसकी फुल फॉर्म होती है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। बोलेंगे सर ये तो बहुत आसान चीज है, इसको तो कोई भी याद कर लेगा, लेकिन दोस्त मुझे नहीं लगता कि 3 नंबर के क्वेश्चन में कोई आपसे फुल फॉर्म पूछ सकता है, हो सकता है आ जाए बट बहुत कम चांस है। UDP का मतलब होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अब YouTube के ऊपर जो है ना, मैंने जनरली देखा है इतना बता के लोग आगे निकल जाते हैं, इससे ज्यादा इनके बारे में कोई बताना जरूरी समझता नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट समझना भी नहीं चाहते, सच्चाई ये है, लोग फ्री में ज्ञान लेना भी नहीं चाहते हैं, वो भी जबरदस्ती पैसा पे करके ही ज्ञान लेना चाहते हैं, लेकिन क्वालिटी एजुकेशन अगर मिल रही है, आप अगर ले लेंगे तो फायदा आपका ही होगा उसमें, और किसी का फायदा नहीं होगा। हाँ, हो सकता है मेरे चैनल की ग्रोथ होगी,
इसीलिए तो मैं पढ़ा रहा हूँ, इसीलिए मैं कंटेंट प्रोवाइड करा रहा हूँ क्वालिटी कंटेंट, क्योंकि मुझे भी प्रॉफिट चाहिए, लेकिन वो प्रॉफिट मुझे बच्चों से दोस्तों से पैसे लेके नहीं चाहिए, वो इन टर्म्स ऑफ मैं अपने लेवल पे आगे बढ़ना चाहता हूँ, वो एक अलग पॉइंट ऑफ डिस्कशन है, फिर कभी बात करेंगे उसके ऊपर। तो TCP और UDP दोनों ही प्रोटोकॉल जो होते हैं वो आपके नेटवर्किंग की जो आपका OSI मॉडल होता है ना, अभी इस चीज पे ध्यान मत देना, हमारे नेटवर्किंग के OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर होती हैं, ठीक है। स्टार्टिंग करते हैं एप्लीकेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर, सेशन लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, नेटवर्क लेयर, डेटा लिंक लेयर और फिजिकल लेयर। ये आपकी लेयर्स होती हैं। तो जो आपके TCP UDP होते हैं ये आपके कहीं प्रोटोकॉल किसी लेयर के ऊपर काम करते हैं, दोनों एक ही लेयर के ऊपर काम करते हैं। अब TCP का काम क्या होता है, जब भी आप WhatsApp के ऊपर, WhatsApp आप सभी यूज़ करते हैं, आपने एक PDF फाइल है, एक बढ़िया सी कोई फाइल है, वो आपने अपने दोस्त के पास भेजी है, तो क्या आपकी वो मान लीजिए 2 MB की फाइल है, क्या वो एकदम से 2 MB की आपके दोस्त के पास चली जाती है? जी नहीं, पहले वो इस तरीके से गोल 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 क्या होती है, अपलोड होती है, आपके दोस्त के पास भेज दी है, आपके दोस्त के पास चली गई है। अब आपका दोस्त जैसे ही उस तीर के ऊपर क्लिक करेगा, अब वो इस तरीके से क्या होगी, आपके दोस्त के डिवाइस में डाउनलोड होगी। तो ये जो पूरी प्रक्रिया हुई है अपलोड होने की, आपकी जो फाइल है ना वो पूरी एकदम से नहीं जाती है, वो छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड होके जाती है, छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड होके जाती है। अब दो बातें होती हैं, या तो आप चाहते हैं कि आपकी फाइल जल्दी चली जाए और सेफ होके चली जाए, यानी कि कोई चुराए ना, कोई पैकेट आधा ना पहुंचे, पूरी फाइल आपकी पहुंचनी चाहिए, या फिर आप चाहते हैं भाई मेरी फाइल ना बस पहुंच जाए, मुझे फर्क नहीं पड़ता फाइल पूरी पहुंच रही है, कम पहुंच रही है, क्रैक होके पहुंच रही है। तो आपका जो कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है ना, यानी कि जो आपके कनेक्शन को बनाता है, कनेक्शन ओरिएंटेड प्रोटोकॉल होता है ना, वो आपका TCP प्रोटोकॉल होता है, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल होता है, जहां पे आपको कनेक्शन की जरूरत नहीं है, यानी कि कनेक्शन लेस जो आपका प्रोटोकॉल होता है वो आपका UDP प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। यानी कि भेजने वाले और प्राप्त करने वाले दोनों के बीच में अगर कनेक्शन बन रहा है, ये बोलेगा मैं भेज रहा हूं, ये बोलेगा ठीक है मैं ले रहा हूं, तो TCP काम कर रहा है। भेजने वाले और प्राप्त करने वाले को पता ही नहीं है कब कोई फाइल भेजी जाएगी, कब आएगी, कुछ आता पता नहीं है, तो UDP प्रोटोकॉल आपका होता है। ये एक बेसिक सा एग्जांपल था किस तरीके से आपको पढ़ना है SSC CGL के कंप्यूटर सब्जेक्ट के लिए। ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हर टॉपिक को आपको समझना है, ना कि आपको रटना है। समझने में और रटने में फर्क समझिए, रटना नहीं है। TCP की फुल फॉर्म बहुत सारे लोग याद करके जाएंगे, इंटरनेट, इंट्रानेट और एक्स्ट्रानेट। लोग सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट को पढ़ के जाएंगे, हो सकता है कुछ इंट्रानेट को पढ़ के जाएं, लेकिन जो बेहतरीन स्टूडेंट्स होंगे वो एक्स्ट्रानेट को भी समझ के जाएंगे। WWW की फुल फॉर्म सबको आती होगी, लेकिन WWW की फुल फॉर्म बहुत कम लोगों को आती मिलेगी। सबको पता होगा स्मॉलेस्ट मेमोरी कौन सी होती है, आपकी रजिस्टर होती है, फिर भी कुछ आप लोग आपको जो है वो कैश मेमोरी, सबसे छोटी मेमोरी को पढ़ाएंगे, क्योंकि उन्हें खुद ही नहीं पता ये कैसे छोटी है, क्या फंक्शन इसका होता है, ये कैसे छोटे हैं, इनका क्या फंक्शंस होता है, कौन कौन से अलग अलग रजिस्टर्स होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं। इन बारीकियों से पढ़ना है आपको कंप्यूटर को, ताकि आप कम से कम 60 में से 55 नंबर का स्कोर जो है वो आप लोग कर पाए। फाइन दोस्तों, तो आई होप आप लोगों को सारी चीजें समझ में आ गई होंगी, क्या आपका सिलेबस है, किस तरीके के आपके पॉइंट्स हैं और बेसिकली क्या आपकी अप्रोच रहनी चाहिए। टाइम टू टाइम आप लोगों को मैं वीडियो के माध्यम से ये पूरा का पूरा सिलेबस जो है ये आपको कंटेंट जो है ये प्रोवाइड कराने की मैं कोशिश करूंगा आने वाले दिनों में। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एक भी क्लास आपकी मिस ना हो, कोशिश रहेगी पूरा सिलेबस आप लोगों का मैं करवा दूं, यहाँ पे 100% सिलेबस आप लोगों का कराने की पूरी कोशिश रहेगी आपके CGL के एग्जाम से पहले पहले। तो उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, फिर भी अगर कोई मिस्टेक हो गई हो या फिर कोई चीज़ रह गई हो तो उसके लिए प्लीज़ टेंशन नहीं लेनी है, नेक्स्ट वीडियो में कवर हो जाएगी। और इसी तरीके से हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। कंप्यूटर बाय वीरेंद्र चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना, वीडियो को लाइक देना अगर अच्छी लगी हो तो। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद जय भारत दोस्तों।